नमस्कार आदाब सत श्री अकाल कैसे हैं आप सभी होप सो यू आर एंजॉयिंग गुड एंड दिस इज देवतीर्थ साहू डायरेक्टर ऑफ द स्पोकन इंग्लिश क्लासेस और आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी लेट्स क्रैक एसएससी रेलवे के एग्जाम के इस पोर्टल पर। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, चलिए फटाफट जल्दी से लाइव हो जाए। लेट मी इंट्रोड्यूस माय टीम मेंबर्स, शी इज नेहा मलिक जो आपकी इंग्लिश के टीचर है, साथ में वो भी पढ़ा रही है। पिंकी सरोवर करंट अफेयर्स ले रही है। नीतू ढाका जी हैं, जनरल स्टडीज ले रही हैं। सुनील बडोनी सर है जो मैथमेटिक्स ले रहे हैं। पवन राव सर है वो भी मैथमेटिक्स ले रहे हैं। काशिफ अंसारी सर जनरल स्टडीज की क्लासेस लेते हैं। सरफराज खान सर है रीजनिंग की क्लासेस ले रहे हैं। अभिषेक सरोवर सर है, मोहित सर भी आपके साथ है, मैं भी आपके साथ हूँ और संदीप रावत सर है जो इंग्लिश की क्लासेस लेते हैं। चलिए फटाफट जल्दी से लाइव आ जाइए एक बार चेक कर लें कैसा आ रहा है, क्वालिटीज वगैरह साउंड वगैरह प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम यहाँ लाइव हो जाते हैं। ठीक है साउंड ठीक आ रहा है। चलिए हाय हेलो कर दीजिए मुझे जो जो भी लाइव है सारे स्टूडेंट्स। आज थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है, बाहर काम चल रहा है किसी के यहाँ। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट 18 और जैसा कि हम एक सीरीज स्टार्ट किए टॉप 3000 वोकैबुलरीज फॉर एसएससी एंड रेलवेज। चलिए सो लेट मी हैव माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। दिस इज देवतीर्थ साहू, आई एम द डायरेक्टर ऑफ द स्पोकन इंग्लिश क्लासेस एंड इंग्लिश ग्रुप पब्लिक स्पीकर एंड ऑथर। मुझे 16 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है क्लासेस लेते हुए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के साथ साथ मैं स्पोकन इंग्लिश प्रेजेंटेशन ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यूज की भी क्लासेस लेता हूं। 3 से 4 लाख लोगों को अब तक मैंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली पढ़ा लिया है। कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम शुरुआती समय मैंने निकाले थे। आई एम अ बुक ऑथर, मेरी किताब है माइंड योर इंग्लिश जो अमेजन पे अवेलेबल है। टाइम नोट कर लेंगे बच्चों 10:30 बजे और शाम को 4:30 बजे बराबर मैं लाइव आपको मिलूंगा। चलिए आज शाम का 4:30 बज चुका है। टेलीग्राम एप्लीकेशन आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है, हमारा जो लिंक है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर आपको एक ग्रुप मिलेगा, इसको ज्वाइन कर ले। जिससे क्या होगा, हमारी जो टीम है अनअकैडमी की वो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन भेजते रहेंगे कि आज हमारे कौन से एजुकेटर कितने बजे कौन से सब्जेक्ट या कौन सा लेसन या चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन शायद अब तक आप लोग ने डाउनलोड कर लिया होगा, नहीं किया तो प्लीज डाउनलोड कर लीजिए। उसमें भी आपको कई सारे फ्री कोर्सेस अवेलेबल मिल जाएंगे, अपने उसमें जाकर गोल सेट कर लीजिए एसएससी वगैरह जो भी जैसा। ठीक है, अगर आप हमारे प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो पेड वर्जन है तो उसमें आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। एक तो आप अपने फेवरेट टीचर से पढ़ सकते हैं, दूसरा डेडिकेटेड डाउट सेशंस उसके अंदर होंगे। एक सब्सक्रिप्शन से आप अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल अदर एजुकेटर्स, आप उस सेक्शन में और भी जितने भी एजुकेटर्स हैं आप उनको भी पढ़ सकते हैं। मीन्स अगर आपने मैथ्स के लिए सोचा है एसएससी का तो आप साथ में जीके इंग्लिश रीजनिंग की भी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। रियल टाइम इंटरेक्शन विद एजुकेटर्स होगा, आस्क डाउट लाइव क्लासेस पता ही है। डाउनलोड द वीडियोस एंड वॉच ऑफलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में भी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, मंथली टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी ऑल एग्जाम्स। ठीक है, मॉक टेस्ट भी होगा एसएससी सीजीएल बाय वाईफाई स्टडी के द्वारा, मॉक टेस्ट बाय एसएससी सीएचएसएल बाय वाईफाई स्टडी, वीकली मॉक टेस्ट बाय एसएससी सीएचएसएल 2009। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है इसके अंदर और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स भी आपको यहां पर मिल जाएंगे। दोस्तों एक कोड याद रखना है आप लोगों को, देव लाइव। अगर एसएससी का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं एग्जाम का तो आप 1 महीने का ले सकते हैं, 1200 रुपए का होगा। 3 महीने का लेना चाहते 3000 मतलब 1000 पर मंथ। 6 अगर मंथ का लेना चाहते हैं तो ये 4800। बट आई सजेस्ट यू कि 12 महीने का आप लीजिए 1 महीने का और ये टोटल कोर्स का फीस होता है 6000। बट रुकिए, ये कोड आपको अप्लाई करना है, मेरा कोड है DEOLIVE। ये अप्लाई करते ही आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ये आपका कोर्स का फीस हो जाएगा 5400। चलिए जल्दी से लाइव आ जाए, जरा चेक कर ले। आप चाहे तो 2 साल का भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, इसका फीस आपको डिस्काउंट के बाद 8614। अनबिलीवेबल, सोचिए जरा 2 साल का कोर्स आपको केवल 8640 रुपए में मिल रहा है। ठीक है ना, आप अगर किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं तो इतने कम फीस में आपको 2 साल का कोर्स नहीं मिलेगा। यकीन जानिए कम से कम 100 से ज्यादा एजुकेटर्स क्लासेस ले रहे हैं, आप अपने फेवरेट टीचर से पढ़ सकते हैं, एक ही सब्जेक्ट के लिए कई टीचर्स अवेलेबल है। डेली 30 आवर्स लाइव सेशंस हो रहे हैं, सोचिए अगर आप सबको भी देखने का प्रयास करेंगे तो भी पॉसिबल नहीं, बट आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला शब्द देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा है एंट्रीम।
मध्यकाल बीच का समय अंतरिम को एंट्रिम बोलते हैं, ठीक है ना। द वर्कर्स वर आस्किंग फॉर एंट्रिम रिलीफ, कार्यकर्ता अंतिम राहत के लिए पूछ रहे थे। तो मध्यकाल या बीच का समय या फिर अंतरिम, अंतरिम को एंट्रिम कहा जाता है, प्रोविजनल कह सकते हो, मेकशिफ्ट कह सकते हो, स्टॉप गैप बोल सकते हो सिनोनिम में, ठीक है। परमानेंट और कंटिन्यूअल, तो ये आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे एंट्रिम, ठीक है। तो मध्यकाल या बीच का समय या अंतरिम एंट्रिम कहलाता है एंट्रिम, ठीक है। मध्यकाल या बीच का समय या अंतरिम एंट्रिम कहलाता है। वर्डंट, बड़ा अच्छा शब्द है, ताजा हरा भरा, वर्डंट पिक के माध्यम से देखिए, ताजा हरा भरा वर्डंट, ठीक है। दिस समर माई फील्ड इज स्टिल वर्डंट, इस साल गर्मियों में मेरा खेत अभी भी हरा भरा है, ठीक है। तो ताजा या हरा भरा वर्डंट कहलाता है, ताजा या हरा भरा वर्डंट कहलाता है, ठीक है। ग्रासी बोल सकते हो, ग्रासी लीफी लश, ठीक है ना। वर्डुअस भी आप बोल सकते हो, तो लश गार्डन अक्सर आप सुनते होंगे ना, ठीक है, घास पत्तों से भरा हुआ ग्रीनरी, ठीक है। तो वर्डेंट, वर्डेंट यानी ताजा हरा भरा, ताजा हरा भरा वर्डेंट। और एंटोनिम में अगर हम बात करें डाइंग, ठीक है, डाइंग। चलिए लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वर्ड, निम्बल, अच्छा शब्द है निम्बल, फुर्तीला। ओ बाबा रे, ये बच्ची तो कुछ ज्यादा ही तेज। द डांसर इम्प्रेस्ड देम बाय हर निम्बल मूवमेंट, नर्तकी ने अपने फुर्तीले लय से उन्हें प्रभावित किया। तो फुर्तीला यानी निम्बल, एडेप्ट बोल सकते हो, एड्रॉइट बोल सकते हो, अजाइल बोल सकते हो, निम्बल फुर्तीला, ठीक है ना। और क्लमजी, स्लगिश, क्लमजी मतलब क्लमजी फूहड़ता टाइप से आप बोल सकते हो, बड़ा भारी भरकम टाइप के जो लोग होते हैं उनको भी कहा जाता है क्लमजी, स्लगिश, ठीक है ना, लेटा हुआ है, स्लगिश है ना, बिल्कुल फैला हुआ है। तो फुर्तीला यानी निम्बल, निम्बल यानी फुर्तीला, फुर्तीला यानी निम्बल। एडेप्ट बोल सकते हैं इसको सिनोनिम में, एड्रॉइट भी बोल सकते हैं, अजाइल भी बोल सकते हैं, करीब करीब। चलिए नेक्स्ट वर्ड के लिए देखते हैं, अबोर्टिव, अबोर्टिव, ठीक है, निष्फल या नाकामयाब। अबोर्ट से आया है और इसी से एक शब्द है अबॉर्शन, अबॉर्शन करा देते हैं ना, मतलब उसको खराब कर दो, निकाल दो, बर्बाद कर दो, तो यहीं से है अबोर्टिव, मतलब निष्फल या नाकामयाब, ठीक है। चल एग्जांपल देखेंगे, द प्रिजनर मेड एन अबोर्टिव अटेम्प्ट टू एस्केप, कैदी ने बचने के लिए एक विफल प्रयास बनाया। एस्केप का मैं जो है ऑलरेडी पहले भी याद करा चुका हूं, आपको पता ही होगा, एस्केप के अंदर बच के निकल जाना या भाग जाना कहलाता है। द प्रिजनर मेड एन अबोर्टिव, तो नाकामयाब, मिसकैरेज भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, अनवेलिंग भी बोल सकते हैं, क्लियर। तो निष्फल या नाकामयाब अबोर्टिव, निष्फल या नाकामयाब अबोर्टिव कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड, रिशफल, फेंटना, ठीक है ना, रिस्टैब्लिश भी बोल सकते हो। द प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड अगेंस्ट रिशफलिंग द कैबिनेट, प्रधानमंत्री ने कैबिनेट फेरबदल के खिलाफ फैसला लिया। रिशफल को आप ऐसे बोलिए पत्ते फेंटना, ठीक है, या इधर से उधर कर देना, रिशफल कहलाता है। तो रिशफल यानी फेंटना या इधर से उधर कर देना। इलेशन, उत्साहित, इलेशन उत्साहित, तो देखिए यहां पे पिक में बच्ची काफी उत्साहित दिख रही है, ठीक है। ब्लिस, एक्सटेसी, एंथुसियाज्म, ये इसके सिनोनिम्स है। ही वॉज वेरी इलेशन टू सी हिज रिजल्ट, वह बहुत उत्साहित अपने परिणाम देखने के लिए। तो उत्साहित, इलेशन, बहुत ज्यादा खुशी की जो स्थिति होती है इलेशन कहलाता है, उत्साहित, उत्साहित, इलेशन, ठीक है ना। एपथी, डिप्रेशन या डिस्पेयर, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, एपथी। तो उत्साहित को हम बोलते हैं इलेशन, इलेशन यानी उत्साहित, उत्साहित यानी इलेशन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए साउंड वगैरह कैसा आ रहा है, क्योंकि बाहर थोड़ा हल्ला हो रहा है, हमारे इंस्टीट्यूट के बाहर कुछ काम चल रहा है, किसी के यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन। वेरी, वेरी, आज सुबह भी मैंने याद करवाया था, सावधान चौकन्ना, ठीक है ना, विजिलेंट। शी इज स्टिल वेरी ऑफ स्ट्रेंजर्स, वह अभी भी अजनबियों से सावधान है। तो चौकस या सावधान वेरी कहलाता है, ठीक है, चौकस या सावधान
वेरी, वेरी यानी चौकस या सावधान। बिजार, अनोखा, या अनोखा मतलब ये पॉजिटिव सेंस में नहीं है, ये नेगेटिव सेंस में है। अब बिहेवियर बिकेम मोर एंड मोर बिजार विथ एज, उसका व्यवहार उम्र के साथ और विचित्र होने लग गया, ठीक है ना। अनोखा, बेतुका, उहड़ता, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव वर्ड एक तरीके से, लुडिक्रस, ये मैंने आपको याद करवाया भी था, लुडिक्रस। ऑड भी बोल सकते हो, ऑफ बीट भी बोल सकते हो, ठीक है ना। कस्टमरी आप बोल सकते हो एंटोनिम्स में, कॉमन प्लेस एंटोनिम्स में। तो अनोखा या बेतुका या हुहड़ता। बिजार, बिजार अनोखा, बेतुका बिजार कहलाता है, ठीक है, बिजार। चलिए नेक्स्ट शब्द देखते हैं। इलिसिट, अवैध, गैर कानूनी। पिक के माध्यम से देखिए, यहां पर कुछ गैर कानूनी काम हो रहा है, शायद रिश्वत देने का प्रयास कर रहा है। इट इज इलिसिट टू टेक ड्रग्स, ड्रग्स लेना अवैध है, ठीक है। तो अडल्ट्रस भी बोल सकते हो, बूटलेग भी बोल सकते हो, क्लैंडेस्टाइन याद कीजिए, क्लैंडेस्टाइन ये एक अच्छा शब्द है, ठीक है ना, क्लैंडेस्टाइन। तो अवैध या गैर कानूनी, इलिसिट, ये भी आप न्यूज़पेपर में पढ़ने को अक्सर मिलता है, अवैध या गैर कानूनी इलिसिट कहलाता है, अवैध या गैर कानूनी इलिसिट कहलाता है। जुडिशियस, उचित या न्यायसंगत, जुडिशियस कहलाता है, ठीक है ना। एस्ट्यूट, पर्सपिकेशियस सिनोनिम हो जाएगा। इट इज क्यूरेबल विद जुडिशियस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स दवाइयों के न्यायसंगत उपयोग से इसका इलाज संभव है, ठीक है। चलिए, तो उचित या न्यायसंगत जुडिशियस कहलाता है, ठीक है ना। एस्ट्यूट, पर्सपिकेशियस आप बोल सकते हो। इम्प्रूडेंट इसके एंटोनिम हो जाएगा, इन अटेंटिव इसके एंटोनिम्स होंगे। तो जुडिशियस या उचित या न्यायसंगत, ठीक है ना, जुडिशियस मतलब उचित या न्यायसंगत। रियर, शिक्षा देना या पालना, या पीछे का भी होता है, रियर कैमरा भी बोलते हैं जो हम, है ना। शी रियर्ड अ फैमिली फॉर 5 years, उसने अपने परिवार को 5 साल तक पाला। तो शिक्षा देना या पालना रियर कहलाता है, ठीक है ना, इजी शब्द है। इंडिकेशन, इंडिकेशन संकेत या इशारा। इंडिकेशन, ग्रीन लाइट्स गिव इंडिकेशन टू गो, हरा प्रकाश जाने का संकेत देता है। तो संकेत या इशारा इंडिकेशन कहलाता है, संकेत या इशारा इंडिकेशन। ठीक, एक्सप्रेशन या गेस्चर, ये आपके सिनोनिम्स हो जाएगा, और मिस इंफॉर्मेशन जो है आपके एंटोनिम्स होते हैं। फ्लॉन्ट, घमंड दिखाना, तड़क बड़क दिखाना, एटीट्यूड शो करना। ये देखो लड़की घमंड दिखा रही है, घमंड दिखाना, फ्लॉन्ट। शी बिलीव्स इन फ्लॉन्टिंग हर ड्रेसेस एंड वेल्थ, वो अपने पोशाक और धन का घमंड दिखाने में विश्वास करती है। तो घमंड दिखाना फ्लॉन्ट कहलाता है, घमंड दिखाना फ्लॉन्ट। एडवर्टाइज या ब्रांडिश आप बोल सकते हो, और एंटोनिम में हाइड या कंसील, हाइड यानी छुपा देना, कंसील का भी मतलब होता है छुपा देना। तो फ्लॉन्ट, घमंड दिखाना, अकड़ना, ठीक है ना, रोल मारना जिसको आप बोलते हैं, शो ऑफ करना, ठीक है। कल्टीवेट, जुताई करना, अभ्यास करना, कल्टीवेट कहलाता है। इन छत्तीसगढ़ पीपल मेनली कल्टीवेट राइस, छत्तीसगढ़ में लोग मुख्य रूप से चावल की खेती करते हैं। तो खेती करना, जुताई करना, अभ्यास करना कल्टीवेट कहलाता है। ब्रीड या फर्टिलाइज, एक तरीके से कुछ मिलते जुलते शब्द हो सकते हैं। अबंडन या डिस्ट्रॉय, ये आपके एंटोनिम होंगे। तो कल्टीवेट, जुताई करना, है ना, अभ्यास करना या खेती बाड़ी करना कल्टीवेट कहलाता है। लाइसेंसियस, दुराचारी, अनैतिक, ठीक है, दुराचारी, अनैतिक, लाइसेंसियस कहलाता है। बोथ आर लाइसेंशियस, दे कैन डू एनीथिंग टू गेट पब्लिसिटी, दोनों दुराचारी है, वे प्रचार पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दुराचारी अनैतिक, लाइसेंशियस, लाइसेंशियस यानी दुराचारी अनैतिक, ठीक है। सैल्यूटरी, सैल्यूटरी हितकारी, कल्याणकारी, फायदेमंद, ठीक है ना, हेल्पफुल, एडिंग,
The principal's advice will prove salutary for the students. प्रिंसिपल की सलाह छात्रों के लिए हितकारी साबित होगी. तो हितकारी या कल्याणकारी या फायदेमंद सैल्यूटरी कहलाता है. सैल्यूटरी हितकारी, सैल्यूटरी सैल्यूटरी हितकारी. ज्योति बोल रही है हेलो सर. हेलो हेलो ज्योति. तो हितकारी सैल्यूटरी सैल्यूटरी. मेरिट योग्यता विशेषता. मेरिट योग्यता विशेषता होते ना मेरिट लिस्ट में तुम्हारा नाम आया है. बेनिफिट या डिग्निटी आप बोल सकते हो. डिसरिस्पेक्ट या एविल एंटीनेम्स हो जाएंगे. प्रियंश गेमिंग इन सीओसी. आय गुरु हेलो भाई क्या हालचाल है. हेलो प्रियंश गेमिंग इन सीओसी. सीओसी क्या होता है भाई. आई वांट टू गेट जॉब ऑन मेरिट. मैं योग्यता के आधार पर नौकरी पाना चाहता हूं. तो योग्यता विशेषता मेरिट कहलाता है. योग्यता विशेषता मेरिट ठीक है ना. बेनिफिट या डिग्निटी सिनोनिम्स हो जाएंगे. मस्कुलाइन हो साला कैसा फोटो है भाई. मर्दाना मस्कुलाइन ठीक है ना. फेमिनिन ठीक है. तो मस्कुलाइन का उल्टा फेमिनिन. पुरलिंग स्त्रीलिंग पढ़ते ना. तो ही वॉज वेरी हैंडसम एंड मस्कुलिन. वह बहुत सुंदर और मर्दाना था. मस्कुलर अडल्ट ठीक है ना. और वीक और अफ्रेड इसके एंटीनिम्स हो जाएंगे. तो मस्कुलिन मर्दाना मर्दाना मस्कुलिन. माइटी क्रिकेट में अक्सर सुनने को मिलता है. माइटी सिक्स जबरदस्त ताकत से भरा हुआ बलवान पोटेंट रोबस्ट. सिनोनिम्स है वीक और डेलिकेट. वीक यानी कमजोर. डेलिकेट मतलब छुई मुई टाइप से बिल्कुल छुए तो टूट जाए. ही स्ट्रक हिम विथ अ माइटी ब्लो अक्रॉस हिज शोल्डर. वो उसके कंधे पर एक शक्तिशाली झटका मारा ठीक है. तो पोटेंट या रोबस्ट माइटी कहलाता है ठीक है. तो पोटेंट रोबस्ट बलवान माइटी माइटी पावरफुल. मिस्ट्री पहली या रहस्य. इट्स अ कंप्लीट मिस्ट्री टू मी व्हाई दे चोज हिम. या मेरे लिए एक पूर्ण रहस्य है कि उन्होंने उसे क्यों चुना. मिस्ट्री मिस्टीरियस उसी से है. मिस्टीरियस गर्ल या मिस्टीरियस प्लेस ऐसा बोलते हैं. तो पहली रहस्य मिस्ट्री कहलाता है ठीक है. कॉनुंड्रम कॉनुंड्रम आपका सिनोनिम हो जाएगा. एनिग्मा एनिग्मा जिसको हम समझ नहीं पाते. नोन और अंडरस्टैंडिंग तो आपके एंटीनिम्स हो जाएंगे ठीक है ना. जिसको आप जानते हैं. न्यूड नंगा नेकेड. आर देयर एनी न्यूड्स इन दिस मूवी. क्या इस फिल्म में कोई नग्न दृश्य है. नग्न यानी न्यूड बाल्ड या नेकेड बोल सकते हो. क्लोथ्ड या कवर्ड इसके एंटीनिम्स होंगे. नग्न यानी न्यूड. बेयर भी बोल सकते हो. बेयर ठीक है ना. खाली बेयर. लेंथी लेंदी लंबा दीर्घ बोलते ना. अरे बड़ा क्वेश्चन लेंदी है करके. द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ वीजा इज वेरी लेंदी. हाँ यार ये बात तो सही है. अभी भी मुझे बड़ा तकलीफ हुआ. करीब 2-3 दिन लग गया. इवन आई एम गोइंग टू मलेशिया नेक्स्ट मंथ. तो वीजा में थोड़ा सा टाइम लगा. इवन मलेशिया के लिए तो फ्री है फिर भी. तो वीजा प्राप्त करने की प्रक्रिया लंबी है. तो लंबा या दीर्घ लेंदी ठीक है. ड्रॉन आउट या इंटरमीडिएट बोल सकते हो आप. कर्टेल्ड या शॉर्टेंड. कर्टेल्ड मतलब पर्दा गिरा देना छोटा कर देना आप बोल सकते हो. काट देना ठीक है. तो लंबा या दीर्घ लेंदी कहलाता है. लंबा या दीर्घ लेंदी. क्लैटर कोलाहल. क्लैक बेलीहू हलाबलाओ. रुकूस रंपस ठीक है ना. वॉइस्ट्रस भी बोल सकते हो आप. कोलाहल. ही ड्रॉप्ड हिज स्पून विथ अ क्लैटर. उसने चम्मच को कोलाहल के साथ फेंका मतलब आवाज के साथ ठीक है. तो क्लैक क्या. बेलीहू कोलाहल मतलब हल्ला गुल्ला. दैट्स कॉल्ड क्लैटर क्लैटर. और एंटीनिम्स हो जाएगा पीस. एप्लॉम भी बोल सकते हो. शिरीन भी बोल सकते हो. लूसिड स्पष्ट क्लियर. ल्यूमिनियस अनअम्बिग्यूअस. एम्बिग्यूअस का मतलब वही होता ना कि जो क्लियर नहीं होता है. डार्क या फॉगी आप इसके एंटीनिम्स हो सकता है. तो कोई चीज एकदम स्पष्ट है लूडिस है ना. तो लूसिड आप बोल सकते हो. दिस बुक इज रिटन इन लूसिड मैनर. यह पुस्तक स्पष्ट तरीके से लिखी गई है. तो स्पष्ट यानी लूसिड. लूसिड यानी स्पष्ट.
सौसर पर तस्त्री जिस पे अक्सर हम लोग प्याला रखते हैं ना, सौसर कहलाता है, ठीक है, इजी शब्द है। प्रीनेगेटिव बिना रोक टोक का, इसका मतलब होता है कोई रोक टोक ना होना, कोई रोक टोक ना होना। विशेषाधिकार, आपको एक विशेषाधिकार मिला है, कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। रॉक स्ट्रॉन्ग, गुड इवनिंग सर बोल रहे हैं, हेलो गुड इवनिंग रॉक स्ट्रॉन्ग। इट इज अ रॉयल प्रेरोगेटिव, यह एक शाही विशेषाधिकार है, तो विशेषाधिकार को बोलते हैं प्रेरोगेटिव, प्रेरोगेटिव विशेषाधिकार। इम्यूनिटी आप बोल सकते हो, ठीक है, पर किस साइड भी आप बोल सकते हैं, ठीक। और ड्यूटी ऑब्लिगेशन आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए कुछ और शब्द देख लेते हैं। सरोगेट अक्सर सरोगेट मदर से बड़ा पॉपुलर होता है, और ये चीज हम लोग को सुनने को मिला शाहरुख खान के द्वारा कि सरोगेट मदर, सरोगेसी बड़ा पॉपुलर होता है, कि प्रतिनिधि स्थानपन्न व्यक्ति किसी और के जगह कोई और आ जाए। तो ऐसा बताया गया कि जो उनकी वाइफ थी गौरी, तो वो बोली कि तीसरा बच्चा मैं नहीं पैदा करना चाहती, तो किसी और को उसने माँ बनाया और वहां से बच्चा जो है शाहरुख खान ने लिया, उसका नाम फिर अबराम रखा, अकबर और राम को मिला के अबराम। तो वो सरोगेसी सरोगेट, किसी और को मदर बनाना, किसी और के स्थान पर नियुक्ति, कि चलो ठीक है तुम माँ नहीं बनना चाहते तो किसी और व्यक्ति को हम ले आते, तो ये सरोगेट सरोगेसी मदर ये बड़ा पॉपुलर हुआ। और ये सरोगेट एड एडवर्टाइजमेंट से भी बड़ा पॉपुलर हुआ, कि जैसे कि हमारे इंडिया में आप देखिए विज्ञापन जो है शराब का, सिगरेट का, तंबाकू का आप नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए कितने सारे शराब के ऐड आते रहते हैं, मैकडॉवेल नंबर वन हो गया, बैक पाइपर हो गया, या फिर और रॉयल चैलेंज के आते हैं, बट उन लोग क्या करते हैं सोडा बोल के कर लेते हैं, म्यूजिक एंड सीडीज बोल लेते हैं, तो वो चलाकी से कुछ और है ना, और या फिर वो जो गाना भी चलता है ना, देखो मैन मैन इज ऑलवेज मैन, क्या जो है उस टाइप का, हाँ भूल रहा हूं मैं। तो ये सब सरोगेट तरीका है किसी और तरीके से, तो प्रतिनिधि स्थानपन्न व्यक्ति, शी वॉन्ट्स टू बी अ सरोगेट मदर बाय किराए की आंख, किराए की कोख, सरोगेसी सरोगेट। प्रॉक्सी बोल सकते हो, प्रॉक्सी हम लोग अपने कॉलेज में लगाते थे, चुपके से किसी और को बोल दिया भाई मेरा भी लगा देना, मेरे जगह तू कर देना, तो परमानेंट और रियल इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। एडिक्वेट पर्याप्त सफिशिएंट आप बोल सकते हो, व्हेनेवर यू गो ऑन अ जर्नी टेक एडिक्वेट वाटर एंड फूड, जब आप कभी भी यात्रा में जाएं पर्याप्त पानी और खाना रखें, तो पर्याप्त यानी होता है एडिक्वेट, एडिक्वेट यानी पर्याप्त। तो ये था आपका वर्ड लिस्ट नंबर 18, पार्ट 18 में लेकर आया कुछ अच्छे शब्दों को याद कराया, होप सो आप लोगों को मजा आया होगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पसंद आया हो तो आप लाइक का बटन दबा दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, बहुत जरूरी, जिससे क्या होगा टाइम से नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ, साइन ऑफ करता हूँ, कल हम सुबह 10:30 बजे मिलेंगे, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टू बी द पार्ट ऑफ दिस वीडियो सेशन, होप सो यू माइट हैव एंजॉयड। चलिए ओके।